नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देसी जमींदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे वाटर पंप के बारे में। हमने होंडा का वाटर पंप देखा, बहुत सारे जो लोकल वाटर पंप्स हैं वो भी देखे हैं, लेकिन ये एक मेड इन इंडिया कंपनी है जो कहती कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बना रहे हैं। ये नेपच्यून कंपनी है, नेपच्यून कंपनी का ये प्योर पेट्रोल इंजन है। इनके केरोसिन वगैरह वाले इंजन भी आते हैं, लेकिन मैंने जो है ये प्योर पेट्रोल इंजन लिया है। मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मेरे पास ऑलरेडी एक होंडा का इंजन है कंपैरिजन, क्योंकि इसका जो रेट है वो होंडा वाले से बिल्कुल हाफ है। 7 HP का इंजन है और 3 इंच की जो वाटर आउटपुट है वो इसकी है सेम। अभी मैं इसको ट्रायल कर रहा हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट है, कैसा क्या। अभी मैंने सिर्फ इसको एक दिन चलाया है, फ्यूल कंजप्शन वगैरह मैं इसकी निकाल रहा हूँ कितनी फ्यूल कंजप्शन है। और अभी मैंने सिर्फ इसको एक दिन चलाया है, पानी की जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी है। 7 HP का जो है वो इंजन है और सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं कि भाई जो स्टार्टिंग मतलब पैटर्न जो होंडा वाले का है सेम इसका है। तो अभी हम इसकी आवाज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें वो हम देखेंगे, कितने का ये मेरे को पड़ा था, क्या कुछ क्वालिटी है, कितना पानी का प्रेशर है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो साथ में घंटी का निशान है इसको दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चल जाए कि नया वीडियो जो है हमारा वो आ चुका है। तो किसान साथियों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो स्टार्टिंग में तो सेम उसी होंडा वाला जो पैटर्न है उसी पैटर्न से स्टार्ट हो। ये ऑन ऑफ स्विच है सेम, ये इसकी कोयल वगैरह है, ये इसका फ्यूल टैंक है, ये इसका जो है जो एयर फिल्टर है वो है, ये इसका साइलेंसर है, ये आउटपुट है, ये वॉल है पानी वगैरह डालने के लिए, ये इनपुट है और यहाँ से जो हमने है ये सूंड है, ये पूरा सूंड नीचे से ला रखा है लगभग 10 फीट जमीन के नीचे से। तो यहाँ से ये सूंड अटैच करके हमने ला रखा है और ये जो यहाँ पे है सेम पैटर्न है। ये यहाँ पे इसका रिकॉयल है, यहाँ पे नेपच्यून की जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो दी हुई है कि यहाँ नेपच्यून लिखा हुआ, नेपच्यून सिंपली फार्मिंग प्योर पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे जो ब्रांडिंग है इस पे लिखा हुआ है नेपच्यून 7 HP, 7 HP का जो कंपनी है वो इंजन इसको बता रही है। 3 इंच की जो वाटर आउटलेट इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 इंच है। ये एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड को सेट करने का है कि आपको कितनी स्पीड रखनी है, ये उसके लिए है। अभी हम इसको करते हैं स्टार्ट, सिंपली यहाँ से करते हैं। अभी इसकी आवाज़ वगैरह सुनते हैं। तो अभी ठंड का मौसम है तो इसकी चोक वगैरह जो है वो हमें ऑन करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे इसकी चोक ऑन हो गई है। स्टार्टिंग करना तो आसान है, स्पीड और वॉइस इधर जो साउंड है वो सेम जितना होंडा इंजन में साउंड है सेम साउंड है। अभी फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग करना ये है, यहाँ से जो है पानी निकलेगा। अभी पानी का क्या कितने से प्रेशर जो ये बनाएगा, जहाँ तक बात प्राइस की बात करें ये मुझे 11,000 रुपये का पड़ा है और जहाँ से मैंने ख़रीदा है उसकी भी डिटेल्स मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही हैं। अभी इसका मैं पानी निकालने का और दिखाता हूँ। अभी पानी नीचे से उठा के जो है ये उठाएगा, तो जैसे ही पानी उठाएगा मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये जो पानी का आउटपुट है और जो होते हुए आ रहा है, पानी का आउटपुट आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, जो पानी का प्रेशर है इसने बना रखा है और ये नॉर्मली स्पीड पे है। स्पीड हम थोड़ी और कम करके देखते हैं कि प्रेशर पे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। थोड़ी सी स्पीड कम करो, तो अभी तक के इस्तेमाल को देखते हुए जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी है, अच्छा बना हुआ है और जो पानी का प्रेशर है वो भी बहुत बढ़िया है। कीमत, इस कीमत में ये होंडा को लगभग अभी तक टक्कर दे रहा है। अभी देखते हैं इसकी लाइफ वगैरह कैसी रहेगी, वो मैं आगे इसका टाइम टू टाइम जो है वो आपको वीडियो डाल के इसके रिव्यू देता रहूँगा। अभी कंपनी जो सारे स्पेयर वगैरह है सब आपको इस शॉप पर अवेलेबल हो जाएंगे जिसका मैंने नंबर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।